अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्ट एंड एजुकेशन। सो गाइस, आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे जो है वो आपको आर्ट भी देखने को मिलेगा और एजुकेशन के मुताबिक भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो गाइस, मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ बगैर देर करे। तो सबसे पहले आज जो है मैं एजुकेशन के बारे में बताऊंगी। एजुकेशन में मतलब जो हमारी आज जो मैं बताऊंगी वीडियोस में है कि जो हमारी छोटी क्लासेस होती हैं, जैसे नर्सरी, KG 1, KG 2, और ये जो हमारी क्लासेस होती हैं इनके बारे में। सो गाइस, आज हम मैं एजुकेशन की वीडियो शेयर करूँगी आपसे। एजुकेशन के बारे में बताऊँगी कि हमारी जो छोटी क्लासेस होती हैं, जैसे एग्जांपल नर्सरी, KG 1, KG 2, मॉन्टेसरी सबसे पहले आता है। सो गाइज, ये हो गई हमारी 4 क्लासेस। इसमें हमें सबसे बेसिक चीज़ सिखानी होती है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो हमारा होगा लाइन कॉन्सेप्ट। फर्स्ट स्टेप ये हमारा लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है, स्टेप नंबर 1 लाइन कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो हमें पहले लाइन कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो सबसे पहले हमारी आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी और हॉरिजॉन्टल का सेकंड नाम जो है वो होगा स्लिपिंग लाइन। नंबर 2 पर आ गई वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन जो होगी वो भी स्ट्रेट होगी लेकिन उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। और नंबर 3 पर आ गई ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन थोड़ी सी हमारी आड़ी होती है तो इसलिए हम उसे कहते हैं स्लैंडिंग लाइन, जैसे हमारी स्लाइड होती है, स्लाइड। आप इस तरह भी बच्चों को समझा सकते हैं कि जिससे हम स्लाइड करते हैं पार्क वगैरह में। अच्छा, नंबर 4 पे जो आएगा वो कर्व आएगा। लेफ्ट हैंड कर्व भी होता है, राइट हैंड कर्व भी होता है, ठीक है। ये आपने छोटी क्लासेस में समझा दिएगा बिल्कुल सही तरीके से। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेट लिख लेती हूँ। CD कंप्लीट कर लिए। अब हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। वैसे तो आप लोग इंग्लिश की जो कॉपीज़ होती हैं वो होती हैं चिल्ड्रन के पास, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं अभी 4 लाइंस ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम आएंगे। और आज हम फर्स्ट वर्ड सीखेंगे ए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब लाइन कॉन्सेप्ट आप समझा चुके होंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम शुरू की 3 लाइन्स में वर्टिकल ऑब्लिक लाइन बनाएंगे, फिर ऑप्टिक लाइन बनाएंगे और बीच में बना देंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑप्टिक लाइन, अगेन ऑप्टिक लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, अगेन प्रैक्टिस। ऑप्टिक लाइन, अगेन ऑप्टिक लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह जो है चिल्ड्रन आराम से समझ जाएंगे। आप उन्हें प्रैक्टिस करवाइए, बार बार उनसे प्रैक्टिस करवाइए तो उन्हें आ जाएगा ए बनाना, ठीक है गाइज। सो गाइज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लोग को मेरी वीडियो टाइम पर मिलती रहे। सो गाइस, मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज़।